देखो हेलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। और आज हम लोग झारखंड की सबसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डैम तिलैया डैम में है। जैसे कि आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हो कि कितना सुंदर यहाँ का मतलब कि सुंदर नज़ारा है। और आप सामने देखो, ये तिलैया डैम आपको मतलब कि कोडरमा स्टेशन से ये करीब 10 से 12 किलोमीटर दूरी पर पड़ेगी। तो वहाँ से आप किसी भी टोटो या फिर कोई भी रिक्शा करके आप आ सकते हो। ये जो सामने आप नज़ारा देख रहे हो तो ये शाम का नज़ारा है और हम लोग शाम में घूमने आए हैं। वेल, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ तिलैया डैम में बहुत सारे टापू है, जैसे कि आप सामने देख सकते हो। तो आप चाहो तो वहाँ पर आप मतलब कि ठहर सकते हो, वहाँ रुक सकते हो। ये सामने का मतलब कि जो छोटा सा जंगल मतलब कि अच्छा खासा घना जंगल है, तो वो जो आप देख रहे हो तो उसके उस तरफ मतलब कि आपका NH 33 स्टार्ट हो जाता है, जो रांची पटना को कनेक्ट करता है। और एक बात, आप जब भी तिलैया डैम घूमने आओ तो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लेके आओ, क्योंकि ऊपर जब आप तिलैया डैम में मतलब कि ऊपर आते हो तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ वैरायटी खाने को लेकर है नहीं। आपको नीचे मतलब कि कुछ मछली मिल जाएंगे जो ताज़ा ताज़ा यहाँ से मतलब कि बने होते हैं, जो हमने भी खाया था, तो इसका आप ध्यान रखना। ये सामने का नज़ारा जो आप देख रहे हो तो ये तिलैया डैम के ऊपर बना हुआ एक ओवर ब्रिज है, तो जो मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह को कनेक्ट करता है। और सामने ये जो आप बड़ा सा एक स्ट्रक्चर देख रहे हो तो यहाँ से पानी सप्लाई होता है। यहाँ से ठीक मतलब कि 8 से 10 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से एक पावर प्लांट है आपका, बांझेटी पावर प्लांट, तो यहाँ से पानी वहीं पर सप्लाई होता है। और जो यहाँ का एक बात और कि आपके पास जो यहाँ का मतलब कि ये बोटिंग का जो फेयर चार्जेज है तो वो डिपेंड करता है कि आप कौन हो और कितना आप मतलब कि मोल भाव करवा सकते हो, बार्गेनिंग आप करवा सकते हो। हमारा जो चार्जेस लगा है वो 100 रुपीज़ पर हेड लगा हुआ है।